दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 18 सितंबर से पूरे देश में, संसद के साथ साथ पूरे देश में महिला आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और अब ये पास हो गया है, जबकि ये 1984 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे बतौर कांग्रेस पार्टी के, तो उस समय ये महिला आरक्षण की बात हुई थी और महिला आरक्षण बिल को पास करने की बात हुई थी, लेकिन तभी से कई कारणों के चलते ये मुद्दा लटकता रहा। बेशक दशकों गुजर गए, लेकिन आज जब ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया है संसद में, तो इसका सारे देश को स्वागत करना चाहिए। ये स्वागत करने योग्य मुद्दा है, इसमें इफ एंड बट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें राजनीतिक दांव पेच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरक्षण बिल पास हो गया, इसकी हमें खुशी मनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर महिला आरक्षण है क्या। दरअसल महिला आरक्षण का जो मुद्दा है, ये सामाजिक न्याय का हिस्सा है, जो संविधान के तहत, संविधान कहता है, बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था, संविधान में लिखा भी है कि जब तक देश के प्रत्येक नागरिक, देश के सारे वर्गों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, शैक्षणिक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक देश में अस्थिरता बनी रहेगी। ये जो है महिला आरक्षण का मुद्दा, ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक न्याय है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं फिर दोहरा रहा हूँ, देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक न्याय मिलना चाहिए, जो अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिला है। जब तक ये नहीं मिलेगा, समाज में, देश में कई प्रकार की अस्थिरताएं बनी रहेंगी, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी, संघर्ष बना रहेगा, और देश खुशहाल तभी होगा जब समाज के हर वर्ग को सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय मिल जाएगा। और उस दिशा में महिला आरक्षण बिल राजनीतिक न्याय बहुत बड़ा मुद्दा था, जो उसका समाधान लगभग हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये तो मोदी जी ने अगले चुनाव 2024 के चुनावों में लाभ लेने के लिए ये महिला आरक्षण का बिल पास कराया है, क्योंकि हर एक चुनाव में उन्हें कोई ना कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारना होता है कि जिससे वो चुनाव जीत जाएं, तो उस लिहाज से ये वो मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं इसको, भाजपा मास्टर स्ट्रोक मान रही है इसको कि इससे भाजपा पुनः तीसरी बार सत्ता में आ जाएगी। वो क्या होगा भविष्य में, मैं तो नहीं कह सकता, ये देश की जनता फैसला करेगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भाई ये तो 6 साल बाद लागू होगा, फिर भाई क्या फायदा हुआ। एक तो ये तो सांकेतिक बात हो गई, भाई 6 साल बाद होगा, 2027 में उसका जनगणना होगी, उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी होगी, तब जब 2029 के चुनाव होंगे तब ये महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बेशक टेक्निकली 2029 में आरक्षण उस तरीके से लागू हो, लेकिन ये आरक्षण तो इन्हीं चुनावों से लागू हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई सब कह रहे हैं, संसद में ये बात उठ रही है कि भाई 2029 से पहले महिला आरक्षण भी लागू नहीं हो सकता,
अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, मैं बताता हूं कैसे होगा। महिला आरक्षण बिल को कौन लागू करेगा, महिलाओं को आरक्षण किसने देना है? महिलाओं को आरक्षण देना है 33% प्रत्येक राजनीतिक दल ने। तो भाई उनको कौन रोक रहा है? क्यों 2029 तक की मतलब हमने इंतजार करनी है? जो लोग ये हो हल्ला मचा रहे हैं कि भाई 6 साल बाद होगा, ये होगा, वो होगा, अरे भाई करना तो आप ही ने हैं, आप ही नेता हो। सारे राजनीतिक दल के जो भी नेता हैं वो अपनी अपनी पार्ट अपने अपने चुनाव घोषणाओं में अभी से घोषणा कर दे कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। हो गया आरक्षण लागू, उनको कौन रोकेगा? हर एक पार्टी इन्हीं चुनावों में, मैं 2024 की भी नहीं बात कर रहा, ये जो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है 5 राज्यों के, इन्हीं से सभी राजनीतिक दलों को 33% महिला आरक्षण भी लागू कर देना चाहिए। तो इसमें कोई अड़चन नहीं है और ये तत्काल लागू हो जाएगा यदि राजनीतिक दलों की या पुरुष प्रधान समाज की नीयत साफ है तो। एक तो मुद्दा ये हो गया। दूसरा जो मैंने कहना है वो ये है कि भाई ये सबको कैसे मतलब सामाजिक न्याय मिले। इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, यानी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण अलग से नहीं दिया गया है। मेरा इसमें मानना, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है और आधी दुनिया यानी महिला उनको तो बहुत ज़रूरी है, उनको बराबरी पर लाना जरूरी है। और महिलाएं ये सिद्ध कर चुकी हैं कि वो किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं है, तो उनका ये अधिकार बनता है कि उनको आरक्षण तत्काल लागू हो और ये सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों में जब टिकट दे तो 33% महिलाओं को दें। हो गया लागू। लेकिन जो अब मुद्दा उठ रहा है इफ एंड बट हो रही है, वो एक तो ये हो रही है कि भाई ओबीसी महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण में शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें मेरी कई बुद्धिजीवियों से बात हुई, तो उनका ये मानना है कि भाई सबको सामाजिक न्याय मिले और ऐसा ना हो कि जो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, सत्ता पर, राजनीतिक सत्ता पर या हर मामले में देश की जो भी चीज़ है वो ही ना अग्रणी बने रहें और जो समाज का पिछड़ा दलित मुस्लिम आदिवासी समाज है उसको भी समान रूप से ऊपर उठाने के लिए, सामाजिक न्याय में शामिल करने के लिए, देश के उत्थान के लिए उनको भी उसी तरीके से शामिल करना होगा। अब वो कैसे होगा, भाई मेरा मानना है और कई बुद्धिजीवियों से मेरी बात हुई, उनका मानना है कि भाई ओबीसी को 50% आरक्षण मिलना चाहिए और उस 50% आरक्षण में से 33% आरक्षण महिलाओं को मिले। और इसके अलावा अगला कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, यदि हम मुस्लिमों की बात करें तो उनको भी 14% आरक्षण मिलना चाहिए और उस 14% आरक्षण में से 33% मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा सब कुछ मिलाकर कहना यह है कि जब तक जिसकी जितना संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जब तक देश में सबको समान हिस्सा हर चीज में नहीं मिलेगा तब तक देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। और जब तक अग्रसर विकास की तरफ अग्रसर नहीं होगा तो उसको तो हमने उस लिहाज से सबको आगे लाना ही है। देश का यदि 15% तबका ही तरक्की करता है तो 85% देश पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा। जब 85% तरक्की नहीं करेगा और 15% ही करेंगे तो पूरा देश तरक्की नहीं करेगा। देश की तरक्की तभी होगी जब 100% लोगों को अवसर मिलेंगे। और कैसे अवसर मिलेंगे उनको हमारा ढूंढने का काम है और हमें पता भी है कि भी किस तरीके से मिलेंगे। तो ये जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है
बहुत बड़ा है और यदि इसको इग्नोर किया गया, इसकी अनदेखी की गई और कुछ संपन्न और अपर कास्ट के लोगों की नीयत साफ नहीं रही और 85% समाज को सामाजिक न्याय नहीं मिला, आर्थिक न्याय नहीं मिला, तो ये देश दुनिया की आर्थिक शक्ति या महाशक्ति नहीं बन पाएगा। जब तक देश के 142 करोड़ नागरिकों का उत्थान नहीं होगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक उनकी शैक्षणिक स्थिति नहीं सुधरेगी, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक पूरा देश महाशक्ति नहीं बन सकता। और महाशक्ति बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी समाज के हर वर्ग को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। और ये मोदी सरकार का बड़ा कदम है। हालांकि पिछली सरकार भी ये प्रयास करती रही महिला आरक्षण को लागू करवाने के लिए, लेकिन वो कानून नहीं बन सका। मैं इस बात के लिए मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बिल को पास किया, लेकिन जो इसमें कमियाँ रह गई हैं या बताई जा रही हैं, ओबीसी को भी मिले, मुस्लिम समाज को भी मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज भी हमारे देश का अभिन्न अंग है और सामाजिक न्याय उनके साथ भी होना चाहिए, और भी जो अल्पसंख्यक समाज हैं उनके साथ भी सामाजिक न्याय होना चाहिए। तो ये कहते हुए कि जो ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ये देश के लिए बहुत लाभकारी होगा, हमारी महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी होगा, उन्हें आगे बढ़ाने में ये बिल्कुल मदद करेगा, और हम सब देशवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो मुद्दे मैंने उठाए हैं कि भाई अल्पसंख्यक समाज को भी सामाजिक न्याय मिले, उनको भी आरक्षण मिले, और ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण में भी आरक्षण मिलना चाहिए जहां उसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये तो मेरा महिला आरक्षण पर आज का मुद्दा, मेरी बातचीत, मेरे अपने विचार। उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आज की बात अपनी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।